नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। सुबह के 10 बजे हैं। अब तक की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है महाराष्ट्र से। आज राज्यपाल से मिलेंगे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं तीनों ही दल और एनसीपी सरकार में शामिल होगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। सरकार में शामिल नहीं होना चाहती है कांग्रेस, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जानकारी दे दें कि सोनिया पवार की मुलाकात के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि जिसमें सामने आया है कि राज्यपाल से तीनों ही पार्टियों के प्रमुख मिलेंगे और महाराष्ट्र में अब सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ आने के बीच ये बात अब लगभग पक्की होती नजर आ रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें सामने आया है कि तीनों पार्टियों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बन गई है। जल्द ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। और आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान तीनों ही पार्टियों के नेता उनसे सरकार गठन पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा था मीडिया से बातचीत में कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को मुलाकात के लिए आज दोपहर 3 बजे का वक्त दे दिया है। राज्यपाल के साथ किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से किसानों को राहत देने की मांग को लेकर मिल रहा है।